नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेव न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। तीन आमदार आमचे पंतप्रधान है, जसं साहेब डिस्कस करतोय, तिकडे पण काढा, माझं पण काढा, जालेना भाटा जालेना साहेब, तिकडे पण काढायच्या, माले पण काढायच्या। दोस्तों, आज एक बार फिर वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी और भाजपा में तूतू में हो गई। दरअसल ये तूतू में क्यों हुई, इसके पीछे की कहानी काफी रोचक कहानी है। हम सभी जानते हैं, एक पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये कहावत मैं क्यों बोल रहा हूं, तो ये कहावत इसलिए बोल रहा हूं कि हम सभी जानते हैं काम हमने किया या नहीं किया, लेकिन हमको श्रेय मिले, इस होड़ में राजनीतिक पार्टियां हमेशा लगी रहती है। पर आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल इस समय देश भर में केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को दर्शाती हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है केंद्र सरकार द्वारा, जिसके तहत अलग अलग गांव गांव में, शहर शहर में कैंप लगाए जा रहे हैं। उन कैंप में आधार कार्ड अपडेट, आयुष्मान कार्ड बना के देना, उज्ज्वला गैस के तहत कनेक्शन देना, इन चीजों के बारे में जहां एक तरफ प्रचार प्रसार किया जा रहा, वहीं कुछ लाभार्थियों को ये बेनिफिट दिए भी जा रहे हैं। तो भारत सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर कहीं न कहीं अपनी उपलब्धियों को गिनवाने लोगों के बीच में इस तरह से ये यात्रा निकाल रही है। अब आज जो मामला हुआ वसई विरार अंतर्गत, वो मामला कुछ ऐसा था कि नाला सुपारा पाटन पार्क क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक कैंप लगा हुआ था, और उस कैंप के ठीक सामने स्थानिक सत्ता पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी ने एक बड़ा सा होल्डिंग लगवाया, जिस होल्डिंग पर बकायदा विकसित भारत संकल्प यात्रा लिखा हुआ, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो नजारत था, प्रधानमंत्री का फोटो नहीं था, बल्कि स्थानिक आमदार के फोटो थे। तो जब यह बात, पोस्टर वाली बात लोगों को मालूम पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को जब मालूम पड़ी, तो उनको नागवार गुजरा। उनको इसलिए नागवार गुजरा, उनका यह तर्क था कि सरकार, ये जो योजना है, ये यात्रा है, ये केंद्र सरकार की है, और इसमें बहुजन विकास आघाड़ी ने अपना पोस्टर क्यों लगाया, और लगाया तो लगाया, उस पोस्टर में भी देश के प्रधानमंत्री का फोटो क्यों नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये, जैसा मैंने आगे कहा था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि योजना केंद्र सरकार की, और उसका श्रेय लेने के लिए होड़ में लगी बहुजन विकास आघाड़ी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो इस बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक नेतागण वहां पहुंचे, और उन्होंने वहीं ठीक उस बैनर के सामने भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगा लिए। अब बात यही खत्म नहीं होती, जब इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां झंडे लगाए, तब बहुजन विकास आघाड़ी के पदाधिकारी, पूर्व सभापति, पूर्व नगर सेवक, पूर्व नगर सेविका, सब सड़क पर उतर कर आए और भारतीय जनता पार्टी के झंडे निकालने का कहने लगे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के वहां मौजूद कार्यकर्ता और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं में तूतू मेमे हो गई। आप वीडियो में विजुअल्स में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने इस पूरे मामले के लिए वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए उनके ऊपर आरोप लगाया कि प्रशासन इस तरह से कैसे कर सकता है। हालांकि जब मामला बढ़ रहा था, तब वसई विरार महानगर पालिका के
उपायुक्त सदानंद पुरव ने बीच बचाव किया और दोनों ही पक्षों के बैनर, पोस्टर और झंडे हटाए और मामला शांत हुआ। सूत्रों की माने तो कुछ लोग ऐसा भी बता रहे कि यह मामला अगर महानगर पालिका उपायुक्त बीच में न बढ़ते, बीच बचाव में नहीं बढ़ते तो शायद काफी बढ़ सकता था और मारपीट तक की नौबत आ सकती थी। हालांकि महानगर पालिका उपायुक्त ने मामले में बीच बचाव करते हुए दोनों ही पक्षों को शांत भी किया और दोनों ही पक्षों के बैनर पोस्टर भी निकाले। तो कहीं ना कहीं यह विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम पर जो राजनीति हुई उससे आज वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी और भाजपा आमने सामने नजर आए। आज सभी को मालूम है कि बहुजन विकास आघाड़ी पिछले 3 सालों से, हम सभी जानते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी देश की सत्ता में कभी गई नहीं है, वो इतनी बड़ी है नहीं, देश की छोड़ो राज्य की सत्ता में भी बहुजन विकास आघाड़ी की कोई बहुत बड़ी भागीदारी नहीं है। सिर्फ 3 विधायक बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष से है। और बात करें वसई विरार क्षेत्र में तो वसई विरार क्षेत्र में भी पिछले 3 सालों से बहुजन विकास आघाड़ी सत्ता से बाहर है। इसके बावजूद जहां कहीं कोई विकास काम महानगर पालिका द्वारा किया जाता है तो बहुजन विकास आघाड़ी वहां श्रेय लेने की होड़ में काफी तेजी से दौड़कर पहुंचती है, अपने बैनर पोस्टर लगाती है। महानगर पालिका के विकास काम तक तो ठीक था, लेकिन आज जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम पर इस तरह से राजनीति हुई तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसका कड़ा विरोध किया और जो हालात हुए मैंने आपको वीडियो में आगे बताया। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। धन्यवाद। या नवीन कहानीला समजून घेण्यासाठी या त्यांना भेटूया, ज्यांना पहिला बैनर काढा, मी झंडा सुद्धा काढला। मोदीजी प्रधानमंत्रीचा कार्यक्रम आहे साहेब, मला सांगतो तुम्हाला बैनर काढा, मोदीजीचा फोटो लाव साहेब, लाव मोदीजी फोटो साहेब, लावा ना तुम्ही बैनर। पहिला बैनर कोण लावला? तुमच्या महापालिकेचे ऑफिसर लावला। तू चापलूसी करणार का? तू चापलूसी करणार का? हा मग झंडे कोई छुआ को पुरावा साहब ने बोलतो साहेब येतात का? नाही साहेब येतो, झंडे कोई छुआ तो पुरावा काढा, तुम्ही काढा ना बेना काय करतो तुम्ही काढा काय जीव जाईल एवढं जीव जाईल एवढं मोठा पक्ष आहे साहेब, तुम्ही ऑफिस काय 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 तुम्ही का लांब आहे ना? नाही नाही लांब अनाउंसमेंट तुम्ही करायचं आम्ही करू, लोकांना कळलं पाहिजे त्रास का तुम्हाला होतोय, कसला त्रास होतोय? तो बोलतोय तो नाव देतो महानगरपालिकेने तुम्ही प्रत्येक सोसायटीला पत्र द्यायला पाहिजे होतं, सोसायटीच्या लोकांना उतरवायला पाहिजे होतं। केंद्र सरकारच्या कार्यक्रमाच्या जनतेसाठी कार्यक्रम लोकांसाठी नाही आहे। झंडे काढतो झंडे काढतो।
पहला बैनर और लगा है, पहला वही निकालने का। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।